सो हेलो गाइज, आज हम लॉन्च करने वाले हैं सीएससी का कोर्स, मतलब कि आप कॉमन सर्विस सेंटर कैसे खोल सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, इसका आपको पूरा का पूरा प्रोसेस हम इस सीरीज जो शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज में आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कैसे आईडी लेनी है, कैसे पासवर्ड लेना है, आप एक नया जनसेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं, उसमें कितना आप इनकम कर सकते हैं, कैसे करना है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा इस सीरीज में। और आपको हम बता दें कि एक अगर नॉर्मल आप कॉमन सर्विस सेंटर खोलते हैं, एक जनसेवा केंद्र खोलते हैं, तो मंथली के आप 30 से लेके 35 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। और आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने मतलब आपका अपने लोकल में या कहीं भी एक जनसेवा केंद्र की शॉप कैसे डाल सकते हैं और उससे आप कैसे पैसे बना सकते हैं। तो उसमें आपको हर एक जो छोटी छोटी सर्विसेज होती है, जैसे आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये इनकम सर्टिफिकेट, जितनी भी आय जात निवास, पैन कार्ड, रेलवे स्टेशन की टिकट बुक करना, ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, जितना भी प्रोसेस होता है सर्विस सेंटर में, आपको हम पूरा का पूरा बताने वाले हैं और कैसे करना है स्टेप बाय, इसकी सबकी आईडी कैसे लेनी है और कैसे इसको एक्टिव करना है, इससे कैसे पैसे कमाने हैं, आपको पूरा का पूरा आपको इस सीरीज में हम आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आती रहे इस सीरीज से रिलेटेड, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे और आप भी एक नया जनसेवा केंद्र खोल के अपना पैसा कमा सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो तब तक के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम कल एक न्यू वीडियो लॉन्च मतलब अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप एक सीएससी आईडी कैसे लग सकते हैं। आपको पहला स्टेप आपको इसका हम क्लियर करा देंगे कि आपको सबसे पहले एक सीएससी आईडी लेना जरूरी है कि जनसेवा केंद्र चलाने के लिए। तो कल हम सीएससी आईडी कैसे लें इस पे वीडियो बना के आपको अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। तो इससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।